नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में जब राजद और जेडीयू की सरकार चल रही थी, उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। बीजेपी के साथ अब जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार गठबंधन कर चुके हैं और सरकार बना चुके हैं। उस दौरान जब आपने विधानसभा में देखा होगा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान किस प्रकार से सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को अपने पाले में रखने के लिए तमाम कोशिशें की थी, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनने के बाद बिहार में एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। जी, आपको बता दें कि कांग्रेस के दो विधायक और आरजेडी के एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के जो दो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसमें है मुरारी गौतम और दूसरा है सिद्धार्थ सौरभ। राजद की वहीं अगर बात करें तो राजद से संगीता देवी जो विधायक हैं, वो बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। मुरारी गौतम महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और वो चेनारी विधानसभा से विधायक हैं। दूसरे हैं सिद्धार्थ सौरभ जो कि विधायक हैं विक्रम विधानसभा से, और तीसरी संगीता देवी हैं जो मोहिनिया से विधायक हैं। ये तीनों आज सम्राट चौधरी जहां मौजूद थे, इन तीनों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। सम्राट चौधरी ने इन तीनों को बीजेपी में ज्वाइन करवाया। उसके बाद से एक सियासी हलचल बिहार में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इन तीनों विधायकों ने ऐसे समय में पार्टी बदला है जब इस वक्त ईडी की छापेमारी कई राज्यों में चल रही है। बिहार में भी छापेमारी चल रही है। आज राजद के विधायक किरण देवी के यहाँ कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस दौरान खबर आई कि बिहार में तीन जो है विधायक, उन्होंने अपना पाला बदल लिया है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। क्या अब ये ईडी के डर से इन लोगों ने पाला बदला है या क्या कुछ खबर है, अब ये तो बाद में निकल कर सामने आएगी। लेकिन एनडीए गठबंधन की जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उधर आप देखिए कि सीपीआई के महासचिव डी राजा जो वायनाड से सीधे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को चुनौती दे दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया उनके खिलाफ। कहीं पर महागठबंधन की राहें आसान भी होती हुई नजर आ रही हैं। आप कांग्रेस में उधर बात बन गई है, लेकिन बिहार से ये खबर निकल करके सामने अब आई है कि तीन विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि एनडीए गठबंधन कैसे अपने नेताओं को एकजुट करने में सक्षम रहता है, कैसे 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से नेताओं का पाला बदलने का जो दौर शुरू हो गया है, अब क्या ये नेताओं का पाला बदलने का दौर जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, या फिर और जो विधायक हैं बीजेपी में जाएंगे, राजद के हैं, कांग्रेस के हैं, या फिर अपने अपने जगह पर बने रहते हैं। लेकिन फिलहाल यह खबर बिहार से निकल करके सामने आई है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।